कानपुर नगर के काकादेव कोचिंग मंडी के रहने वाले जाने माने डॉक्टर झा, जिन्होंने विदेश से अपनी डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त कर विशेषज्ञता हासिल की, ने कानपुर में अपने निवास स्थान कोचिंग मंडी में अपने जन्म दिवस पर मां भगवती का विशाल जागरण व भंडारा किया। इस विशाल भंडारे में मुख्य अतिथि के रूप में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने डॉक्टर के निवास पर आए और डॉक्टर झा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और मां भगवती के विशाल जागरण में ज्योति जलाकर जागरण का शुभारंभ भी किया और सभी से एकजुट होकर सभी सामाजिक कार्यों में सहयोग की अपील भी की। कानपुर से कैमरामैन प्रशांत श्रीवास्तव के साथ आदर्श श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, प्रगति समाजवादी पार्टी का 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही कानपुर से। तो हमारा पूरा संगठन तैयार है 75 जी, जी। लेकिन मैंने एक ही नारा दिया है देश के सामने, इसलिए दिया है इस समय पूरा देश परेशान है। जब से भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लिए हैं, कोई निर्णय जनता के व्यापारियों के, किसान के, नौजवानों के, किसी के मैं नहीं कहा। नोटबंदी, फिर GST, आधार, ऐसे तमाम जो मैंने दिए हैं वो देश की जनता पूरी से पूरी परेशान है। अभी किसान एक्ट जो पास हुआ है, कृषि एक्ट जो पास हुआ है, अब पूरे देश का किसान परेशान है जी। महज 10-12 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, पूरे 75 जिलों में हमारा जी। तो मैंने एक ही नारा दिया है गैर भाजपा वाद जी, जी जी जितने भी एक समान विचारधारा के पतियाँ हैं, एक सभी सेकुलर पतियाँ एक हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाबी मैंने जी। एक प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरी भारत जानना चाहती है। अभी हाल में भोगनीपुर के विधायक विनोद कटियार ने किसी गरीब की जमीन को कब्जा की थी, इंडियन प्राइम न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता दिखाया था, विधायक ने पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप जानते हो, पूरे के पूरे कमीशन कर रहे हैं और देखिए योगी जी के नियंत्रण में नौकरशाही भ्रष्टाचार हर जगह, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ी है जी जी। अभी हमारे लोगों ने सभी जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद थे उनको ज्ञापन दिया है महंगाई और भ्रष्टाचार उसके खिलाफ, और देखिए बहुत सी मनमानियां हो रही हैं, नौकरशाही सुन नहीं रही, मुख्यमंत्री जी के कब्जे में नौकरशाही है नहीं, भ्रष्टाचार जी। प्रगति समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इस सिस्टम से कैसे लड़ेगी आपके कार्यकर्ता जी? समान विचार छोटे छोटे और इकट्ठा करके मेरा 75 जिलों में संगठन तैयार हो गया जी जी, पूरा तैयार है ठीक है। हमें तो चुनाव लड़ाना है प्रगति समाज जी जी जी, और जे भी हैं हम हमारे सभी साथियों ने क्या समझा है, 2022 में प्रगति समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी जी जी जी। सर, अभी जैसे पूर्ण बहुमत से बनाएगी या समर्थन लेके बनाएगी सरकार? हम तो पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, आज जो माता से आशीर्वाद मांगा है यही मैंने मांगा। अच्छा अच्छा, यानी समाजवादी पार्टी कोई रोल नहीं रहेगा? समाजवादी पार्टी सब कोई रोल नहीं, समाजवादी पार्टी अच्छा अच्छा ने अलायंस के लिए कहा है, अच्छा अलायंस कर लो अच्छी बात ठीक ठीक ठीक।